डायनासोर जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 5 वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। ये ट्रायसिक काल के अंत लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर क्रिटेशियस तृतीयक विलुप्ति घटना के फलस्वरूप विलुप्त हो गए। जीवाश्म अभिलेख इंगित करते हैं कि पक्षियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपोड डायनासोर से हुआ था और अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमसरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। डायनासोर पशुओं के विविध समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थि या कवच, सींग या कलगी शामिल हैं। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडे देते थे। डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने गढ़ा था और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डीनोस भयानक शक्तिशाली चमत्कारिक जोर सोरोस छिपकली को प्रयोग किया था। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलसी नासमझ और शीत रक्त वाला प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 के दशक के बाद हुए अधिकांश अनुसंधान ने इस बात का समर्थन किया है कि यह ऊंची उपापचय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां डायनासोर के जीवाश्म भारी मात्रा में पाए गए हैं। आज ये दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं, साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। डायनासोर का स्वर्णिम युग मीज़ोइक युग कहलाता है। शाकाहारी डायनासोर एपिटोसोर्स ब्रेकियोसोर्स आदि, मांसाहारी डायनासोर ट्राइरेनोसोर्स ऑर्निथोमिमस आदि। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।